hello dear students today i will start part second of unit third electrochemistry after studying the part 2 you will be able to know how to write cell notation or representation of a cell according to ipac nomenclature that is convention सेकेंड नो अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोडेंशियल दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऑल्सो नोन एच एस एच ई देन यू विल बी एबल टू अप्लाई नर्स इक्वेसन फॉर कल्कुलेटिंग द ई एम एफ ऑफ गैलबनिक सेल एंड डिफाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल दिस नर्स इक्वेसन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट In solving some numerical problem, which is also important for the board examinations, so many times the question made from Nurse equation, and also you will be able to solve some questions which are based on above topics. Now, before starting the cell notation, I again want to recall you. अबाउट द गलबनिक सेल इन दैट गल्बिनिक सेल कैथोड इज ऑलवेज टेक इन आन योर राइट साइड एंड ए नोट इज ऑलवेज टेक इन योर लेफ्ट साइड द दिस यू हैव टू नो एंड फीड इन द माइंड ऑल्सो नाउ सेल नोटेशन आर सेल डायग्राम आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल अकॉर्डिंग टू आई पी एस सी कन्वेंशन So again here anodic half cell is written on the left hand side and cathodic half cell on the right hand side now two half cells are separated by a double vertical lines double vertical lines indicate salt bridge or any type of porous partition here single vertical line रिप्रेजेंट द फेज बाउंड्री एंड डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द साल्ट ब्रिज तो नाउ वन कॉमन एग्जाम्पल्स इज गिवेन इयर ऑफ डेनियल सेल जेड इन गोज टू जेड इन दो फोर इेड इन सॉलिड नाउ कमिंग टू द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन दैट्स वाई सेपरेट बाई वन फेज बाउंड्री आफ्टर देन वन साल्ट ब्रिज देअर डिनोटेड बाई वर्टिकल लाइन डबल बॉडिकलाइन देट इज देन कॉपर सल्फेट आर चेंज इन टू कापर हियर कापर सल्फेट फ्रॉम एक्व चेंज इन टू सॉलिड स्टेट दैट्स वाई इट इज डिवाइडेड बाई वन फेज बाउंड्री दैट ई सेल ऑफ़ द रिएक्शन गिवेन टू द राइट साइड इज इक्वल टू प्लस वन पॉइंट वन जीरो बोल्ट वन मोर एग्जाम्पल्स गिवेन हियर टू सेल न्यूट्रिशन मे बी राइट एच एब और गिव इन बिलो कापर सॉलिड चेंजिंग टू कापर टू प्लस एक्वस कंसनट्रेशन ऑल्सो गिवेन हियर वन एम डबल वर्टिकल लाइन डेट डू नोट द सॉल्ट ब्रिज ए जी प्लस एक्वस वन एम देअर कंसनट्रेशन नाउ चेंजिंग टू ए जी सॉलिड टू सेल न्यूट्रेशन मे बी गिवेन आई दर फॉर्म तो दिस यू हैव टू नोट डाउन एंड लर्न प्रॉपरली वॉट द मीनिंग ऑफ दिस सेल नोटेशन योर लेफ्ट साइड डिनोट द एनोड एंड योर राइट साइड डिनोट द कैथोड दैट मीन्स जेडन एट एनोड चेंज इन टू जेड एन एस फोर एंड ऐट कैथोड कापर सल्फेट चेंज इन टू कापर दैट इज जेडन इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज रिड्यूस नाउ ई सेल इज नोन एज ई एफ ऑफ द सेल दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मे बी रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेल एज गिवेन एबक सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट द फेज सेपरेशन दैट इज फेज बाउंड्री बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन यर जेड इन इलेक्ट्रोड एंड जेडन एसओ फोर इज इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन नाउ वन मोर पॉइंट यू हैव टू नो दैट इज इलेक्ट्रोड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेकेट फॉर एग्जाम्पल जेड एन आर चेंज इन टू जेड एन एस ओ फोर देन साल्ट्रिज हर एच प्लस आर चेंज इन एच टू गैस एंड इन केस ऑफ गैस when gas is written at cathode in that condition electrodes should be written in the bracket after gas like given here next one questions depict the galvanic cell in which the following reaction take place the reaction is जेड एन प्लस टू ए जी प्लस आर चेंज इन टू जेड एन टू प्लस प्लस टू ए जी स्टेड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच ऑफ इट्स रोड एंड आल्सो स्टेट द कैरियर ऑफ करंट विद इन दिस सेल तो नाउ द सेल रिप्रजेंटेशन हियर लुक जेडन एस चेंज इन टू जेड एन टू प्लस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड ए जी प्लस चेंज इन टू ए जी देट इज रिड्यूज तो नाउ द सेल रिप्रजेंटेशन लाइक दिस जेड एन फेज बाउंड्री देवस देन वर्टिकल लैंथ टू डिनोट द साल ब्रिज देन एजी प्लस अगेन फेज बाउंड्री एजी तो द रिएक्शन गिवन आर चेंज इन टू सेल न्यूटेशन गिवन लाइक दिस नाउ सेल रिएक्शन एज इंडिकेट दियर जेड इन ऑक्सीडाइज दैट्स वाई एट एनोड नोड जेड इन चेंज इन टू जेड इन टू प्लस बाई लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड इट टेक टू इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इंग टू ए जी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हियर द कैरियर ऑफ करंट विद इन द सेल आर फ्रॉम सिल्वर टू द जिंक एंड एज आई टोल्ड यू द गवनिक सेल कंटेंट टू सर्किट इन द आउटर सर्किट द इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर बट इन द इनर सर्किट दैट इज थ्रू दाल्ट ब्रिज आय आर द करंट कैरियर्स नाउ सेकेंड क्वेश्चन गिवेन द फॉलोइंग सेल नोटेशन डिटरमाइन द स्विशीज ऑक्सीडाइज स्विसीज रिड्यूस एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंडसिंग एजेंट विदाउट राइटिंग द बैलेंस किएक्शन हियर नो नीड अपू राइट द बैलेंस रिएक्शन द सी द एक्वेस एंड थिंक अबाउट कि विच स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड विच स्पीसीज रिड्यूस तो यू लेफ्ट साइड डिनोड द आनोड दैट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड यू लेफ्ट साइड ऑफ द डबल वर्टिकल लाइन्स दैट इज साल ब्रिज डिनोट द कैथोड तो नाउ एम जी चेंज इन टू एम जी टू प्लस तो देट्स वाई एम जी ऑक्सीडाइज

इट ऑक्सीडाइज अदर एंड हैंस वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एम जी इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कापर टू प्लस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी लाइक दिस दिस इज होमवर्क फॉर यू नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई एच वी कैन नॉट कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड्स तो दैट्स वाई वी हैव टेकन अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो नाउ लुक हियर इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड वी कैन असाइन एन इलेक्ट्रोड द वैल्यू ऑफ जीरो एंड देन यूज इट एज ए रेफरेंस द इलेक्ट्रोड ट्यूज इन एज ए जीरो एंड इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज एस एच ई द एस एच ई कॉन्सिसट वन एटी एम ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल थ्रो अ वन एम दंसंट्रेशन एस सी एल सोल्यूशन यूजली एट रूम टेम्परेचर दैट इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इर प्लेटिनम विच इज केमिकलीट इज यूज एच द इलेक्ट्रोड टू द रिडक्शन रिएक्शंस दट इज हाफ रिएक्शंस टेक इन प्लेस एट कैथोड चूज इन एज ए गिविन रेफरेंस इज य टू एच प्लस टेक टू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन हाफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एंड कन्वर्ट इन टू एच टू फॉर दिस द वेल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेक इन जीरो द वोल्टेज इट डिफाइन ए जीरो फॉर आल टेम्परेचर तो दैट मीन्स द इलेक्ट्रोड पोडेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज यू टेकन ए जीरो एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल नाउ लुक एग्जाम्पल ए गैलिवनिक सेल कैन बी यूज टू डिटरमाइंड द स्टैंडर्डक्शन पोडेंशियल ऑफ कापर टू प्लस सोन बिलो हियर एस एच ई टेक एन एच आई नोड एंड कापर इलेक्ट्रोड टेक एन एच कैथोड नौ द वोल्टेज सीन इन द वोल्टा मीटर इज द वोल्टा वोल्टेज ऑफ कापर एच आई टोल्ड यू द वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन टेक एन एच जीरो तो दैट मीन्स द नेट वोल्टेज आर सोन हियर दैट इज द वोल्टेज ऑफ कापर द लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ अदर सिंगल इलेक्ट्रोड्स फॉर एग्जाम्पल इज इट पॉसिबल टू डर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दर आंसर इज नो ऑक्सीडेशन और रक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एलोन दैट्स वाई मोर एवर इलेक्ट्रोड पोडेंशियल इज अ रिलेटिव टेंडेंसी एंड कैन बी मीजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड वनली दैट इज एस एच ई एस एच ई Maybe act as cathode, maybe act as anode, depending upon your situation. So, like this, we can calculate the reduction potential of a single electrode by using SHE. Now, electrode potential and standard electrode potential that is E naught. A potential difference which develops between the electrode and electrolyte is called electrode potential. That is, in one container, one rod dip in the electrolyte solution, so, the difference between the single containers is known as potential difference. When the concentration of all the species involved in a half cell is unity, that means the concentration should be taken one.

Reduction potential are now called standard electrode potential. Here we have talked only about the reduction. Maybe oxidation and reduction both take place, but the value of E naught is always taken in the form of reduction. That's why here we talk about the standard reduction potential, and basically it is now called as standard electrode potential. This you have to keep in the mind. नाउ सेल पोटेंशियल दट इज ई एम एफ और इ सेल द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिट्वीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड आईनोड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इथ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड बट सेल पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस बिट्वीन द कैथोड एंड आईनोड इट इज काल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ई एम एफ ऑफ द सेल वेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल तो सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एच ई एम एफ ऑफ द सेल वेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल दिस पॉइंट यू हैव टू ऑल्सो नोट डाउन इन योर माइंड ऑल्सो ई एम एफ ऑफ ए सेल मे बी कैलकुलेटेड एच ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट एज आई टोल्ड यू राइट साइड इ कैथोड लेफ्ट साइड इज आई तो आर ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड नोड इन टर्म ऑफ रक्शन पोडेंशियल इन दिस चैप्टर बी ओनली टॉक अबाउट द रक्शन पोटेंशियल सिमिलरली स्टैंडर्ड ई मफ द सेल दैट इज ई नॉट मे बी कैलकुलेटेड एज ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट और ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट आई तो दिस फॉर्मूला यू टू लर्न टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल नाउ वन एग्जाम्पल्स इज देयर सेल रिएक्शंस की वेन कापर सॉलिड प्लस टू ए जी प्लस एक्व आर चेंज इन टू कापर टू प्लस एक्वस प्लस टू ए जी सॉलिड द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेडाइज कापर चेंज इन टू कापर टू प्लस दट इज रेशन टेक प्लेस एट ए देन साल्ट ब्रिज एंड ए जी प्लस चेंज इन टू ए जी that is the anodic reaction now we have to write E cell equal to E right minus E left as I told you at anode oxidation take place but here we have to write E in the term of reduction potential so at right I have told you at right side the reduction take place because right side at cathode तो हियर ए जी प्लस चेंज इंग टू ए जी देट्स नो प्रॉब्लम हियर इट इज ऑव्सो रोडक्शन बट इन केस ऑफ लेफ्ट बेसिकली हियर ऑक्सीशन टेक प्लेस बट वी हैव टू यूज द वेल्यू ऑफ ई इन टर्म ऑफ रिडक्शन दैट्स वाई बी राइट ई कापर टू प्लस ऑब्लिक दैट इज फेज बाउंड्री कापर तो दिस यू हैव टू कीप इन द माइंड वाई राइटिंग द ई सेल ई राइट मीन्स कैथोड ई लेफ्ट मीन्स आई नोड एट आई नोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बट हियर द वैल्यू ऑफ ई नॉट टेक इन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैट्स वाय बी राइट ई कापर टू प्लस फेज बाउंड्री कापर नाउ साइन कन्वेंशन ऑफ ई एम एफ ई एम एफ ऑफ द सेल शुड बी पॉजिटिव अदरवाइज इट विल नॉट बी फीजिबल इन द गिविन डायरेक्शन दैट मीन्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल शुड बी पॉजिटिव नाउ हियर टू एक्वेशन जेड एन चेंज इन टू जेड एन ने फोर देन साज कापर सल्फेट चेंज इन टू कापर इन दैट कंडीशन ई सेल इक्वल टू प्लस तो दैट्स वाई हियर जेड एन रिप्लेस कापर फ्रॉम कापर सल्फेट बट द रिवर्स रिएक्शन दैट इज कापर चेंजिंग टू कापर सल्फेट एंड जेडेन एसो फोर चेंजिंग टू जेडेन इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इ सेल वैल्यू इज नेगेटिव दिस टाइप ऑफ आंसर यू हैव टू आल्सो नोट डाउन कि वेन सम ई नाट वैल्यू इज गिवेन ई सेल वैल्यू इज गिव एन तो यू हैव टू फाइंड द सेल इम एफ इफ द सेल इम एफ इज पॉजिटिव इन दैट कंडीशन द रिएक्शन इज फ्यूजिबल अदरवाइज इट इज़ नाट फ्यूजिबल नाउ डिफरेंस बिटवीन ई एम एफ ई सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ ई सेल फर्स्ट पॉइंट इट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड विन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट दैट इज इन एन ओपन सर्किट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड इन अ क्लोज सर्किट वेन द सेल इज अंडर ऑपरेशन दैट इज वेन द सेल इज यूज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज नोन एज पोटेन्शियल डिफरेंस वेन सेल सर्किट इज ओपन इन दैट कंडीशन द इलेक्ट्रोड पोडेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज ई एम एफ सेकेंड इट इस द मैक्सीम वोल्टेज ऑफटेन फ्रॉम ए सेल बट इन पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द लेस मैक्सिमम वोल्टेज ऑफटेंट फ्रॉम द सेल थर्ड पॉइंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करेंट दैट इज ई एम एफ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो अप करेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करेंट नन क्वेश्चन विचार बेच जान टू कैलकुलेट ई नाट सेल फ्रॉम ई कैथोड माइनस ई ए नोड हियर जेड टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन चेंज इन टू जेडन द ई नाट वेल्यू गिव इन माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बोल्ट सी डी टू प्लस माइनस टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन टू सी डी इट हाउ सोडक्शन टेक प्लेस दॉट सेल गिव इन जीरो पॉइंट फोर जीरो बोल्ट तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इनार्ड सेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू नो दैट की मोर इनार्ड वैल्यू एक्ट एज तो हियर मोर वैल्यू मीन्स मोर द पॉजिटिव वैल्यू आर लेस द नेगेटिव वैल्यू। वैल्यूर सी डी टू प्लस एक्ट एच सी डी टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गोज टू सी डी डिनोट द रिडक्शन एंड जेडन विच है मोर निगेटिव नॉट वेल्यू सो द ऑक्सीडेशन दट वाई दिन गोज टू द आठोड तो नाउ इ नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई आई नोड ई राइट माइनस ई लेफ्ट तो इन एट कैथोड दो ज रिएक्शन टेक प्लेस विच हैव ई नाट वैल्यू मोर आर लेस नेगेटिव ट हियर द मोर आर लेस निगेटिव वैल्यू ऑफ यी नाट ईच माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो दैट्स वाई दिस रिएक्शन गोज टू द कैथोड हैंज जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो माइनस ज़ीरो पॉइंट सेवन सिक्स दिस विल गिव जीरो पॉइंट थ्री सिक्स बोल्ट दैट मीन्स ई नॉर्ट सेल इक्वल टू पॉजिटिव एंड हैंज रिएक्शन टेक प्लेस नाउ नर्स इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेश फ्रॉम दिस इक्वेशन वन क्वेश्चन इज आस्किंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन तो नाउ नो अबाउट द नर्स इक्वेशन एम एन प्लस एक्वस प्लस एन ई चेंज इन टू एम दिस इज द एग्जापल ऑफ रिडक्शन नाउ फिर नाउ फॉर दिस रिडक्शन बी पुट द वेल लाइक दिस ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम दैट इज रिडक्शंस आर ई नॉट एम एन प्लस बै एम एन एम नेगेटिव आर टी बाई एन एफ नेचुरल लाग वन बै एम एन प्लस इन स्क्वायर ब्रेकर इक्वायर ब्रेकर रिप्रेजेंट मोलाटी एंड नाउ अगेन रिकॉल अबाउट द एक्रियम चैप्टर एक्वीबेरियम एंड एक्वीबेरियम वाट एप मींस द कन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेन दियर प्रोडक्ट इज टेक इन एम रिएकटेड इन एम एन एंड एंड ऑल्सो आई हैोल्ड यू इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ सबिस्टेंस इट टेकन एज यूनिटी दैट्स व्हाई वी राइट हियर वन नाउ दिस इक्वल टू हॉट एम एन प्लस आब्लिक एम माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी बाई लॉग वी हैव टू चेंज एल इनटू इन लॉग वन मोर थिंग यू हैव एक्स इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग एक्स तो बी गार्ड दिस इक्वेशन नो हियर इज़ गैस कॉन्सटेंट दलुआफ आरिज एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैल्विन पर मूल एफ इज़ फराडे कांस्टेंट नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर एट्टी सेवन एंड समटाइम अप्रॉक्सिमेट टेक एन एज नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुलाम पर मूल टीच टेम्परेचर इन कैल्विन एंड एम एन प्लस इथ द कंसेंट्रेशन ऑफ दिसज एम एन हियर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एम एंड प्योर लिक्विड आर आल विज टेक एन एच यूनिटी दैट इज यूनिट दैट इज वन तो लाइक दिस यू हैव टू राइट दट इक्वेश नाउ फॉर डेनियल सेल जेड एन जेड एन एसो फोर कापर सल्फेट चेंजिंग टू कापर दल रिएक्शन इज जेड एन प्लस कापर टू प्लस चेंजिंग टू जेड एन टू प्लस प्लस कापर तो फॉर दिस वी हैव टू राइट द नर्स्ट इक्वेशन E इ सेल इक्वल टू इ नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ हिया एन इज गिवन टू हाउ नो दैट एन इक्वल टू टू तो टू इलेक्ट्रॉन्स इज टेक पार्ट इन क्रिएशंस दैट इज टू इलेक्ट्रॉन्स लूजेज एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इज गेन दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एन इज हियर टू नेचुरल लॉग जेड एन टू प्लस डिवाइड बाई कापर्ड टू प्लस हियार जेड एन टू प्लस इज द प्रोडक्ट कंसन एंड कापर्ड टू प्लस इज द रिएक्टेंट Zn in the form of solid and copper in the form of solid taking the value 1. That's why this is not written here. Now this is equal to inner e silic minus 2.303 RT by 2F log zn 2 plus divided by copper 2 plus. When we solve 2.303 RT and F, we got the answer like this. दिस इक्वल टू इ नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइड बाई टू लॉग जेन टू प्लस डिवाइड बाई कापर टू प्लस हिर टू इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन दैट इज इजर टू इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड दैट्स आई बी पुट द वैल्यू टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन आर केम फ्रॉम टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी बाई एफ दिस यू हैर्न वैन यू सॉल्व this type of numericals in the board examinations now again it can be seen that E cell depend on the concentration of both copper 2 plus and gen 2 plus it increases with increase in concentration of copper 2 plus and decreases in the concentration of gen 2 plus ion that means more the gen 2 plus ions. ले विल बी दिल एंड मोर द कापर टू प्लस आय मोर विल बी द इनाट सेल वेल्यू नाउ वन मोर एक्शन हियर टू राइट द नक्स इक्वेसन निखिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलीड चेंज इन टू निखिल टू प्लस एक्व ए जी प्लस आर चेंज इन टू ए जी द सेलिएशन इज एन आई प्लस टू ए जी प्लस चेंजिंग टू एन आई टू प्लस प्लस टू ए जी हि आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टू दैट्स एन आई आल्सो रिटन हियर टू द नर्स इक्वेशन कैन बी रिटन एच फॉलोज ई नॉट सेल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एफ टू एफ नेचुर एन आई टू प्लस डिवाइड बाई ए जी प्लस का होल्ड ट्वाइस रीजन ईयर दॉक्यूमेंट्री कोपिशियंट ऑफ ए जी टू प्लस इज गिवन टू तो दैट्स वही दिस गोज टू पावर ऑफ दैट कंसंट्रेशन वेल बी साल्व दिसवल टू इन सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइड बाय टू लॉग एन आई टू प्लस एंड द कंसनट्रेशन ऑफ ए जी प्लस का होल टू दैट इज स्क्वायर होल स्क्वायर तो टू केम फ्रॉम दाक्यूमेंट्रिक कोपिशियंट टू गिविन द रिएक्शन तो लाइक दैट यू ऑल्सो राइट द नर्स इक्वेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन नाउ इफ कंसलटेशन आ गि हियर टू पुट द कंसलटेशन एंड साल द नूमेरिकल्स बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉक टेबल नाउ फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए ए प्लस बी बी चेंज इन टू सी सी प्लस डी डी तो नर्स इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ई सिल इक्वल टू ई न माइनस आर टी बाई एन एफ लाग क्यू नेचुरल लाग क्यू द क्यू इज़ नोन हैज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएन कंसनट्रेशन नाउ एफ यू ओपन दिस ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लाग सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए बी की पावर बी हियर ए बी सी डी आर स्टाक्योमेट्रिक कोपिशेंट गिबन इन द रिएक्शन तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन फॉर जनरल रिएक्शंस तो दिस यू हैव टू नो टू कैलकुलेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नर्स इक्वेशन नाउ सम क्वेश्चन आर देयर क्वेश्चन नंबर वन राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ई एम एफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट टू नाइनटी एट नाउ एस एन चेंज इन टू एस एन टू प्लस यर कंसल्टेशन जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर देन साल ब्रिज एच प्लस दैन कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो कैप्टलियम एंड एच टू गैस यर प्रेशर गिवन वन बार यर प्रेसर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इफ वन बार इज प्रेशर तो देर इज नो चेंज इन द आंसर बट द प्रेशर इज लेस दैन वन बार यू हैव टू ऑलो पुट द प्रेशर ऑल्सो इन द केमिकल इक्वेशन पी टी इज इलेक्ट्रोड एज आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ कैथोड द इलेक्ट वोड आर रिटन आफ्टर द गैस ये आर गिवेन डेट एस एन टू प्लस वन चेंज इंग टू एस एन दट इज रक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फोर एंड फॉर हाइड्रोजन आई वी नो दैट इट इज टेकन ए जीरो नो द आंसर यू हेट राइट लाइक दिस आई नोड हाउ यू नो दैट एस एन गोश टू आई नोडर द रिक्वेश्सूटेशन गिव इन दो बिफोर द साड बी दैट इज योर लेफ्ट साइड इज डिनोटेड बाई ए तो हियर एस एन गोज यू टू एस एन टू प्लस दैट्स इस वाई ए नोड एस एन टू एस एन टू प्लस कैथोड एच प्लस चेंज इन टू एच टू गैज ना ओवरऑल एक्शन लाइक दिस एस एन प्लस टू एच प्लस गिव टू टू एस एन टू प्लस प्लस एच टू गैस हियर दॉट्स एल इक्वल टू ई नाट एच प्लस वाई एच टू माइनस ई नॉट एस एन टू प्लस आब्लीग एस एन यर ई नॉट गिवेन देट इज कैथोड माइनस आई नोड तीयर कैथोड इच द एस एच ई दैट्स वैल्यू जीरो माइनज माइनस जीरो पॉइंट वन फोर तो द आंसर इज जीरो पॉइंट वन फोर बोल्ट यर ई नॉट सेल इज वी फाइंड जीरो पॉइंट वन फोर नाउ यूजिंग द नक्सट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइड बाय एन यर द वैल्यू ऑफ एनिज ऑल्सो टू लुक द रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स आर लूज एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर गेन दैट्स मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन बाल टू कंप्लीट द रिएक्शन दैट्स वाई द वैल्यू आर फेनिज टू हिस्र देन लॉग एस एंड टू प्लस वी आल्सो टेक द पी एच टू फॉर प्रेशर बट द वैल्यू ऑफ एच टू इज वन दैट्स वाई बी कैन नेग्लेक्ट हियर एंड एच प्लस इट कंटेंट टू एच प्लस दैट्स वाई वी हैव टू पावर टू नाउ पुटिंग दीज वैल्यू वी फाइंड द आंसर जीरो पॉइंट वन फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइड बाई टू लॉग जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर द कन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंट टू प्लस डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस होल टू बाई साल दिस इक्वेशन वी फाइंड दैट द आंसर इज प्लस जीरो पॉइंट वन वन जीरो फाइव बोल्ट द वैल्यू ऑफ लाक टू यू हैर्न दैट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लाक टू यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉक फोर लॉक एट लाइक दैट नाउ सेकेंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एम जी सॉलिड प्लस टू ए जी प्लस चेंज इन टू एम जी टू प्लस प्लस ए जी हियर कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस एंड एम जी टू प्लस इज गिवेन नाउ कैलकुलेट इट्स इ सेल इफ इट सेल इज गिवेन हियर ई नार सेल गिवेन तो दैट इस वाई नो नी टू कैलकुलेट ई नार सेल बाई कैथोड माइनस आल रिशन दट इज सेल कैन बी रिटर्न एच एम जी एम जी टू प्लस दट इज दिएक्शन साल ब्रिज ए जी प्लस ए जी कैथोडी रिएक्शंस तो नाउ इ सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइड बाई एन लॉग एम जी टू प्लस डिवाइड बाई ए जी प्लस का होल टू रीजन द ए जी इन द रिएक्शंस प्लस कंटेंट टू मोल दैट्स वाई बी हैव टू दैट्स वाई बी हैव टू राइट टू इन द पॉवर in their molar concentration now after solving this we got the answer 2.96 volt here again the need of log table now I have told you in the 11th class okay, how will you see the log table if you find any difficulty you can ask again now one more questions गलवनिक सेल कंसिडर द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर बिलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक द फिगर प्रॉपरली हियर योर लेफ्ट साइड दट इज सेकेंड कंटेनर सो द कैथोडिक पार्ट एंड द फर्स्ट योर राइट साइड दट इज सेकेंड कंटेनर सो द कैथोडिक पार्ट एंड योर फर्स्ट साइड सो द फर्स्ट कंटेनर सो द एनोडिक साइड तो जडेन प्लेट वर्क एज एनोड एंड सिल्वर प्लेट वर्क एज कैथोड साइ गिवन आल्सो द कंसनट्रेशन इन फर्स्ट कंटेनर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए जडेन टू प्लस एक्वस एंड द सेकेंड कंटेनर ए जी प्लस एक्वस नाउ लुक द डायग्राम प्रॉपरली एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर आफ गिविन क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर वन री ड्रा द डायग्राम टू सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो टू हियर यू हैव टू ड्रा द डायग्राम एंड सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्राम इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्राम डेड एंड टू ए जी आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूव फ्रॉम आई नोड टू द कैथोड टू हियर आई नोड इच जिंक राड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जेड एन टू ए जी वट द करेंट मूव फ्रॉम ए जी टू द जिंग नाउ सेकेंड क्वेश्चन ए सिल्वर प्लेट द एनोड आर कैथोड तो आई हैव टोल्ड यू योर राइट साइड ऑफ द सेल डी नोड द कैथोड तो देट्स वाई सिल्वर इच हियर वर्क एच कैथोड नेक्स्ट वट विल बी हैपन इफ द साल्ट ब्रिज रिमूव्ड एच हैव टोल्ड यू द साल्ट ब्रिज इन कंप्लीट द इनर सर्किट तो दैट्स वाई द फ्लो ऑफ हेंस डू नाट टेक प्लेस हैंज द सेल्फ बिल स्टाफ फंक्शनिंग क्वेश्चन नंबर फोर वेन विल द सेल्फ स्टाफ फंक्शनिंग दिस इज द सिंगल कंडीशन इफ इज सेल इक्वल टू जीरो दैट मीन इक्विरियम कंडीशन दैट मीन्स इ सेल्फ विल स्टॉफ फंक्शनिंग दैट इज नो करेंट डन फ्रॉम द सेल हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ जेन टू प्लस आयंस एंड ए जी प्लस आयन अफेक्टेड वेन द सेल फंक्शन तो एज आई एव टोल्ड यू द कंसनट्रेशन ऑफ जेडन टू प्लस दैट इट प्रोडक्ट वेन इनक्रीजेज रीजन देड इन लूज इट्स मास एंड गोज इन टू द फॉर्म ऑफ जेड एन टू प्लस बट द कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस आयंस बिल्ड डिक्रीज हियर ए जी प्लस आयंस आर डिपॉजिटेड टू द ए जी कैथोड क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ विल द कंसनट्रेशन ऑफ जेड टू प्लस आयंस एंड ए जी प्लस आयंस बी अफेक्टेड आफ्टर द सेल बिकम डेड तो वेन ई सेल इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन ऑफ जेड एंड टू प्लस आयंस एंड ए जी प्लस आयंस विल नॉट बी चेंज दैट इज नो रिएक्शन टेक प्लेस दैट्स वाई ना इधर लूज ऑफ मास गेन ऑफ मास टेक प्लेस नास नाउ डियर स्टूडेंट आई नो दैट i am not too good teacher but i always try to make my student a better student and also a best student so that's why i always try to give a good note so that you can do best in the examination so now dear students again note down the topic wise थ्योरी वॉट एवर गिवेन इन द पीपीटी इन योर फेयर कापी द्लास वर्क कापी एंड आल्सो ट्राई टू डू द क्वेश्चन फ्रॉम एन सी आर टी फ्रॉम द टॉट पार्ट आ टॉट टॉपिक थैंक यू स्टूडेंट्स एस्टे सेफ स्टे लर्निंग